हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंद्राक्षिता व्लॉग्स। आज हमारी रेसिपी का नाम है गाजर का हलवा। हमने 1 किलो गाजर ली है, छील लिया है। छीलने के बाद हमने इसको कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करके हमारे पास ये 1 किलो गाजर आ गई है। अब सबसे पहले हम इसको एक कुकर में सारी गाजर हम इसमें डाल देंगे। ये आज हम आपको जल्दी से पकने वाला गाजर का हलवा बनाना बता रहे हैं। गैस हम ऑन कर लेंगे, गैस को हम स्लो कर देंगे, तेज रखेंगे तो नीचे का जो हमारा गाजर है वो नीचे से जल जाएगी, इसलिए हम गैस को स्लो रखेंगे और अपना इस कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा दिया है कुकर का और गैस को हम स्लो कर देंगे। उसके बाद हम जैसे ही हमारी 1 सीटी आएगी और उसके बाद हम इसको बंद करके छोड़ देंगे। जब हमारे इसका गैस का पूरा प्रेशर ये निकल जाएगा उसके बाद हम खोल के हम इसको दिखाएंगे और उसके बाद हम इसको आपको बताएंगे कि आगे का क्या प्रोसीजर है। गैस देखो निकल चुकी है पूरी, अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए हमारा ये गाजर तैयार हो गई है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हम गैस ऑन करेंगे। इतने हमारी कढ़ाई गर्म होती है, हम आपको बता देते कि बाकी क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे इसमें। तो हमने 1 बड़ा चम्मच देसी घी ले लिया है, 300 ग्राम हमने चीनी ली है, 250 ग्राम हमारा मेवा है, खोया है जिसे, और ये हमने काजू बादाम ले लिए हैं। आप कुछ और भी ले सकते हैं, हमने काजू बादाम ले लिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अभी इसमें हम ये घी डाल देंगे। हमारा घी मेल्ट हो गया है, इसमें हम जो हमने गाजर कुकर में पकाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें जो हम पानी निकल आया है अब हम उसको थोड़ा सुखा लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी ये हमने 300 ग्राम जो चीनी ली है हम डाल लेंगे। क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी। हमने 1 सीटी इसीलिए लगाई थी क्योंकि जो कसर हमारी उसमें रह जाएगी वो अब चीनी के साथ पकने के बाद ये पूरी हो जाएगी, हमारी जो गाजर है वो पूरी तरह से पक जाएगी। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, पकने देंगे और खुला ही पकने देंगे जिससे कि जल्दी से इसका जितना भी पानी है वो सूख जाए। इलायची पाउडर डाल करके मिक्स कर देंगे। दो तीन मिनट में और लगेंगे और हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा।